अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक भाई हैं, दोस्त हैं हमारे गुजरांवाला के, मुबशर भाई, उनकी छत पे आया। उन्होंने एक नया सेटअप अपना बनवाया, तो मैंने कहा चलें अपने चैनल पे एक वीडियो भी बना के सेंड कर देता हूँ। बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा सेटअप है उन्होंने बनाया है। मैंने कहा चले मैं दोस्तों से शेयर करता हूँ, जो दोस्त नए होते हैं जिनको मतलब सेटअप बनाने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा उनको थोड़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। ये मुबशर भाई आए हैं, इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी अल्लाह पाक का करम है। ये मुबशर भाई हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी हैं। इनका एक अपना भी चैनल है मुबशर हुसैन पिजन के नाम से, जो दोस्त उसको विज़िट करना चाहें ज़रूर विज़िट करें। न्यू यूट्यूबर हैं, सपोर्ट करनी चाहिए, अच्छी बात होती है। ये देखें, ये इन्होंने लॉफ्ट बनवाया, ये ऊपर केज उन्होंने बनवा के छोड़ा, ये नीचे दो, हाँ मतलब बड़ी अच्छी मजबूत किस्म की जालियाँ हैं। ये देखें आप, ये देखें ये कितनी मजबूत है, मतलब इधर बिल्ली इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, डर नहीं है, इतनी मजबूत है। ये नीचे भी इन्होंने अच्छी वाली जाली लगवाई हुई है। ये दो डोर, टू डोर में है, धूप बहुत ज़्यादा है। अगर तो थोड़ा सा रिज़ल्ट में या किसी में दोस्तों को कोई इशू प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ये देखें टू डोर है, इन्होंने पार्टीशन में बनवाया, एक साइड पे पेड़ छोड़ेंगे, एक साइड पे परवाजी, मतलब अगर वेदर चेंज होता है, नरमादियाँ लग भी करना चाहें तो ये कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अंदर जा भी दोस्तों को दिखाता हूँ, विज़िट करवाता हूँ। ये देखें एक ये सामने केज, एक ये केज इस साइड पर, ये ऊपर दो इनके पार्टीशन में इन्होंने बनवाया हुआ। अंदर अभी काम तैयार है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, परिंदे इन्होंने नीचे छोड़े हुए हैं, तो अभी ऊपर परिंदे नहीं अपने लेके आए हैं। बाकी मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा दोस्तों को दिखा दूं। ये कितने बाय कितने का? ये 7.5 बाय 15, 7.5 बाय 15 का लॉफ्ट है, दो पार्टीशन। ये देखें ये अंदर भी पार्टीशन इन्होंने रखी हुई है। अंदर ये खाने हैं, जो ब्रीडिंग सेटअप है इसका, हाँ फुट बाय फुट का ये खाना अंदर बनाएंगे, और बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। ये गुजरांवाला सैटेलाइट ऑन में इनका घर है, छत है, उस साइड पे ये बना रहे हैं। ये देखें ये लॉफ्ट, ये सारा इनका फ्रेम, और हाँ ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। ये वेंटिलेशन के लिए जो इन्होंने पाइप वगैरह अंदर रखे हैं, स्ट्रॉ रखे हैं, ताकि जितनी भी गैसेस वगैरह हैं वो यहाँ से रिमूव हो सकें। परिंदों में मतलब गैसेस की वजह से अंदर ये होता है, वो अपना पोर्ट शोट रोकते हैं, उनमें इशू आ जाता है। ये साइड पे ग्राउंड व्यू है, बड़ा प्यारा लोकेशन पे इनका घर है, सैटेलाइट ऑन में चक्की वाली ग्राउंड बड़ी मशहूर है वहाँ पे। मेरे तो कुछ दोस्त भी रहते हैं यहाँ पे, ये मुबशर भाई मेरे सब्सक्राइबर ही थे, तो इन्होंने कहा विज़िट करें, मैं एक अपना लॉफ्ट बनवा रहा हूँ, आके दोस्तों को बताएँ, दोस्तों को पता चले कि मतलब किस किस्म का केज आपको बनाना चाहिए। ये देखें दो केज, एक ये सामने और एक ही उस साइड पे, मतलब इन्होंने कैसा रखा हुआ है इसका सिस्टम। हम तो सीधे सीधे बना लेते हैं ना, इन्होंने सीधे सीधे नहीं, आमने सामने बनाए हुए हैं, ठीक है। और सेंटर से पार्टीशन है, ऊपर अच्छा फ्रेम है, खूबसूरत है, जाली बड़ी मजबूत है। मैं फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये देखें बड़ी मजबूत किस्म की जाली है। पैसे कहते हैं काफ़ी लग गए हैं मेरे, लेकिन यह है कि ये लाइफ टाइम है, इसने कहीं नहीं जाना, तो मतलब ये ज़बरदस्त किस्म सा रहेगा। हाँ वैसे भी इसको एक दफ़ा पेंट करवा देना आपने, ये ज़बरदस्त है, इसने किधर जाना, ये तो बड़ा मजबूत काम आपने किया होगा। बाकी अंदर से भी इन्होंने ओपन है, बाहर से भी डोर रखा हुआ है, ये जो है मतलब अगर आप बाहर से भी अंदर जाना चाहो जा सकते हैं। एक दो तीन, इधर फ्रंट पे तीन इन्होंने डोर रखे हुए हैं, परिंदों को बाहर निकालना भी अगर पड़े यहाँ से निकाल लो। उस ऊपर जो है वो मग वगैरह भी हैं, काफ़ी इन्होंने ऊपर मग रखे हुए हैं। ये डोर है, ठीक है, ये मतलब आप परिंदों को उड़ाने के लिए यहाँ से बाहर निकालना है या क्या सीन है, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो इन्होंने ये भी डोर रखा हुआ है, ये जो ऊपर वाले फ्रंट वाले डोर हैं ये ना भी होते, क्योंकि ये देखें ये अंदर भी, अंदर से भी रास्ता, लेकिन वो हर बंदे की एक अपनी साइंस होती है, इनकी कोई अपनी साइंस होगी। तो बाकी ज़बरदस्त किस्म का है माशाल्लाह, बहुत प्यारा सेटअप लगा मुझे। बाकी भाई परिंदे भी कह रहे हैं कुछ परिंदे चाहिए, कुछ भाई को मैं अपने घर से भी बेबी पिजन्स गिफ्ट करूँगा, वो छोड़े हैं यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए, कुछ इन्होंने परचेज करने हैं। अगर किसी दोस्त के पास अच्छे मुनासिब परिंदे हों, जोड़ों वाले या कुछ है, तो भाई से ज़रूर रब्ता कीजिएगा।
न्यू शौकीन तो पुराने हैं, लेकिन यह है कि सेटअप बड़ा खुला है, इन्होंने अभी बनाया, अब ये स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आप उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को इनका सेटअप पसंद आया होगा। बाकी जो अंदर है, अंदर फुट बाय फुट के इन्होंने खाने ब्रीडिंग के लिए बनाया। बाकी एक साइड के ऊपर सिर्फ सीधे पट्टे वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं, वो सीटिंग के लिए, जो परवाजी बर्ड है उनके लिए। तो अभी काम इसका इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ, कलर भी आपको दोबारा बुलाया हुआ है, इनके पूरा तैयार करके अभी कलर भी कम्प्लीट नहीं है। मैंने कहा चलें ये स्टार्ट से बता दूं, जब ये कम्प्लीट होगा इंशाल्लाह मैं इस छत पे दोबारा आऊँगा, फिर परिंदे भी आए होंगे, आपको परिंदों का भी शो करवाएँगे। अभी मतलब ये उन दोस्तों के लिए वीडियोज़ है जो दोस्त मतलब अपने सेटअप अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, न्यू बनवाना चाहते हैं सेटअप। तो आप ये देख लें, बड़ा अच्छा बेहतरीन सा सेटअप है इसमें। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने से पैसे लगा लो। इन्होंने थोड़ी ये जाली मोटी इस तरह लगा के इसको थोड़ा एक्सपेंसिव किया हुआ, ठीक है। अगर आप मतलब जाली दूसरी लगा लोगे आपका खर्चा कम हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है ये थोड़ा बहुत खुद भी काम कर लेते हैं, इन्होंने किया हुआ है, लेकिन जो हम जैसे होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं करना उनका फिर उतना खर्चा भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, खर्चा भी बढ़ जाता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेट आप ये देख लो, ये सेटअप आपके सामने है, ये 30-40-50 हज़ार रुपये तक आई थिंक सो के बन ही जाता, इतने तक तो ये अब बन ही जाता है, जिनमें ये दो आपके जो हैं ये लॉफ्ट बन जाएंगे, ऊपर ये जो आपका फ्रेम है जाली वगैरह जो है ये चीज़ हो जाएगी, बाकी अंदर सेटअप। बाकी परिंदों की बात रह जाती है, वो तो आप पर डिपेंड करता है। आप 5-5 लाख रुपये वाला पेयर ला के छोड़ लो या आप 500-500 वाले ला के छोड़ लो, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जो दोस्त चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। दोस्तों ये जो लॉफ्ट देख रहे हैं आप, ये बैक साइड से, मैंने कहा चलें बैक साइड से भी व्यू सारा दिखा दूं। ये देखिए ऊपर सारा फ्रेम पड़ा हुआ है, ये साइड पे नीचे तो इन्होंने केजेस बनाया हुआ है, गुड्डे जिनको बोलते हैं, सेंटर में जगह छोड़ी हुई है इन्होंने। माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा सेटअप है, ज़बरदस्त। अभी कंप्लीट नहीं है तो परिंदे वगैरह ऊपर नहीं छोड़े, अभी इन्होंने नीचे छोड़े हुए हैं। मैंने कहा चले मैं दोस्तों को इसका ओवरव्यू करवा दूं कि मतलब अगर कोई दोस्त मतलब अपना सेटअप बनाना चाहता है या जिन दोस्तों को ये सेटअप अच्छा लगा, ये एक परफेक्ट किस्म का सेटअप है। तो मतलब आप अगर इतना सिर्फ ब्रीडिंग के लिए भी रखें तो बेहतरीन है, ताकि गर्मियों में अगर आप नरम आदियाँ लग भी करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर एक साइड पे जोड़े छोड़ के दूसरी साइड पे आप परवाजी परिंदे छोड़ के परवाज भी ले सकते हैं, मतलब आपके जोड़े भी सेपरेट रहेंगे और जो आपका जो है वो ये जो है मतलब उड़ाने वाला परवाजी सेटअप वो भी बिल्कुल सेपरेट रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखें, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं आगे आपको दिखाता हूँ मतलब ये जो इनके ऊपर इन्होंने मतलब क्या क्या चीज़ मतलब लेंटर डलवाया है, स्लैब्स रखी हैं या क्या किया है। बाकी इनका वेंटिलेशन वाला आप तरीका देखें, गैसेस के लिए जो पाइप हैं ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें मतलब जो लॉफ्ट के अंदर जो गैसेस बीमारी हैं उनके चांसेस बहुत कम से हो जाते हैं। बाकी अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, जब ये कंप्लीट होगा तो मैं फिर एक दफ़ा यहाँ पे इस छत पे आऊँगा, फिर परिंदों के साथ प्रॉपर शो करवाऊँगा, अभी धूप भी ज़्यादा, ठीक है। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी मैं चलें करीब जाता हूँ, करीब जाके तो फिर मैं आपको मतलब इसकी छत पे क्या है वो दिखाता हूँ, छत किस चीज़ की डाली हुई है जिस ताकि मतलब पानी वगैरह ना आ सके जी। दोस्तों ये देखें साथ साथ इन्होंने ये स्लैब्स हैं ऊपर ना जी। ये स्लैब डाल के ये साइड पे जो सीमेंट है उसके अंदर ये छोटी बजरी ऐड करके, जो ज़ीरो साइज़ की चिप्स होती है शायद, ये वो ऐड करके इन्होंने सीमेंट में उसको करवाया हुआ है, इसकी टॉपिंग सारी साइड से उसी। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मजबूत किस्म का, इसमें पानी छाने या कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं इनको होने लगा। ये ऊपर ये स्लैब्स हैं, स्लैब्स के ऊपर साइडों के ऊपर ये जो इन्होंने फिलिंग करवाई हुई है इसकी, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कह रहे हैं खुद ही किया ये भी। हम अगर मतलब इधर जस्ट वो सीमेंट लगा के उसका लेप करते हैं उसमें वो लाइनें सी आ जाती हैं, फट जाती हैं, लेकिन ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये देखें आप। तो बाकी ये वेंटिलेशन वाला तो मैंने आपको पहले दिखा ही दिया, ये टू डोर है निज़ाम है, ठीक है। अब मैंने ओवरव्यू करवा दिया आपको दोस्तों को हर तरह से, माशाल्लाह ये बड़ा खूबसूरत प्यारे किस्म का सेटअप है इनका। तो अल्लाह पाक इनके शौक में बरकत डाले। तो
अब मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो दोस्त चैनल पर नया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।